एक बार दिला दे गर्लफ्रेंड तेरी है तो मैं तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी एक जिंदड़ी गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। भाई फिर से नए ब्लॉग के साथ में स्वागत है भाई लोग। आज बहुत गाली पड़ने वाली है हम लोगों को, मुझे और राहुल को, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था कुछ 7 बजे और हम लोग रात भर नहीं सोए कि मच्छर इतना काट रहा था कि हम रात भर ही नहीं सोए। सुबह 6 बजे मच्छर काट रहा था भाई, तो सो नहीं पाया था फिर, इसलिए हम लोग लेट हो चुका। अभी बच चुका है 9, तो अभी फटाफट यहाँ से निकले। पहले तो गया राहुल मामी को छोड़ने के लिए, उनका हाँ पूसा यूनिवर्सिटी में उनका जॉब है तो उनको छोड़ने के लिए गए। उसके आने के बाद फटाफट यहाँ से निकलेंगे, नाश्ता वास्ता हो गया, फटाफट निकलना है यार, तो चलते हैं। ये व्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं खींचूँगा और रास्ते में कुछ व्लॉग करूँगा ही नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो फिर जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो डायरेक्ट ही निकलते हैं यहाँ से। चलो जो अभी शूट किया था मैंने वो क्या था, 3rd फ्लोर से किया था। अभी मैं आ गया हूँ 1st फ्लोर पर और यहाँ से व्यू एकदम खतरनाक दिखता है एकदम। आपको मेरा घर ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा वो पता नहीं है मुझे, ये मेरा खाला का घर है। तो यहाँ से फटाफट निकले, राहुल आने वाला है, आने के बाद में फटाक से निकलेंगे, कोई ब्लॉग व्लॉग नहीं करना यार। अभी 2-4 गाली खाएंगे फिर आ जाएंगे अपने लाइन में। अभी ये घर का देखो, वो प्लास्टर उलास्टर नहीं हुआ है, मतलब कि हाँ घर तो बनाया है, बहुत तगड़ा बनाया है खाला, बस प्लास्टर नहीं हो, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो निकलते हैं चलो आज, हाँ नहीं आज कुछ बात भी करना, हाँ अगर मैं मॉल जा सका तो मॉल जाके ना पूरा फुल टू ये ब्लॉग पब्लिक रिएक्शन में बन जाएगा, जो कि आपको अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो वेट करो अगर, और दुआ भी करो अगर बन गया तो फिर आपको देखने मिल जाएगा। चलो अपना टिकट काउंटर, जो कि मुझे टिकट उकट कटाना है, क्योंकि एक ही टिकट हुआ है और एक टिकट मुझे वेडिंग करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे जाना है ये समस्तीपुर। अभी इधर ही आके रुके, समस्तीपुर स्टेशन है, यहाँ पे आके रुके, दोस्त की इधर गाड़ी खड़ा किया, गाड़ी खड़ा करने के बाद जस्ट अभी निकलते हैं, टिकट कटाना है, ऊपर से मम्मी का दवा भी लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दवा हुआ नहीं लूँगा तो बहुत ज़्यादा मम्मी का प्रॉब्लम हो जाएगा। फटाफट निकलते हैं, टिकट उकट कटाते हैं के बाद फिर घर के लिए निकलते हैं। तो टिकट कटाने के बाद मिलते हैं भाई, ठीक है टिकट कटा लो, टिकट कराने बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा बैग नीचे रखने का? चलो तो गाइस जैसे कि टिकट कट चुका है, वेडिंग टिकट कटा है, एक टिकट का कुछ 750 रुपये कुछ टिकट पड़ा। तो अभी यहाँ से तो काम धाम हो चुका है, अभी फिलहाल निकलता हूँ मम्मी का दवा के लिए, दवा लेने के बाद में जस्ट फिर निकलेंगे घर के लिए, फिर फ्रेश व्रेश होंगे, नहा धो के फिर मिलते हैं अपन। चलो टिकट करके टेंशन हट गया। चलो सो गाइस आने के बाद जस्ट सो गया था, सोने के बाद जस्ट अभी बहुत कस से भूख लगा है, नींद नींद में मुझे भूख लग रहा था, तो मम्मी का अभी मैंने खाना मंगाया, खाने में है अपना दाल चावल और ऊपर से गोश्त और मम्मी भी है, तो आज मम्मी का दवा लाया लेके नहीं आ पाया, तो अभी 5 बजे जाऊँगा मम्मी का दवा लेके आ जाऊँगा, क्योंकि मैं मेडिकल में वो दे दिया कि ऐसा दवा चाहिए बीपी का। तो फिलहाल खाना खाता हूँ, खाना खाने में मिलता हूँ, बहुत कस कर नहीं जा रहा, फिर से सोऊंगा मैं। चलो गाइस अभी फ्रेश व्रेश में मतलब मुँह हाथ धो के मैं रेडी हूँ अभी 4 मैचेस खेलने के लिए, जैसे यहाँ पे टी क्या बोलते हैं गली क्रिकेट चल रहा है, मतलब मेरे को भी खिला रहे हैं भाई, बहुत मुश्किल से खिला रहे हैं। अब मैं देखो ना देसी जुगाड़ किया मैंने, क्या जुगाड़, मुँह धो के अपना टी शर्ट से ही मुँह पोंछने का। ये मम्मी साथ में, मेरे को कस के लगा है, गर्मी 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 कुछ भी बोल रहा, मतलब बोला कि भैया मम्मी से पैसा मांगने का टाइम आ चुका है,
तो जाते हैं आइसक्रीम आइसक्रीम लेते हैं, माँ को भी खिलाएंगे, खाला को भी खिलाएंगे, हम खुद भी खाएंगे। चलो कितना Lately you don't feel like yourself and you kinda hate it. You suppress Assalamu alaikum. All of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it. चलो अजीत जी। नहीं जीत गए। चलो। अजीत गया भाई। 3-6 मार कर जीता दिया। साला। चलो बाय बाय बाय। हाँ बहुत दिन बाद खेला, अच्छा खेला। चलो आज अभी जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रहे हैं बताएंगे आप, बताएंगे खाला घर पे। कौन खाला घर? चकनूर। हाँ ये कैमरा कौन से है कि नहीं, मतलब कैमरा कौन से, मतलब समझा? कैमरा के सामने आगे बोले। हाँ बोल। कल मुझे बहुत भाषण दिया, तू ऐसा नहीं हो पाएगा, तू थोड़ा पब्लिक से डरता है, तू डर मत, शर्मा मत, ऐसा वैसा। तो मैं बोला ठीक है सर, आपको मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपके नक्शो कदम पे चलूंगा, मैं ऐसा कहेंगे जो कैमरा पे अगर मैं बात करता रहूँ कोई भी अगर आके बीच में टोका दे, जैसे कि ये देखो ये बंदा तो देख रहे हैं, लेकिन इसको मैं नहीं कर सकता। तो मिलते हैं, चलो भैया खाला के घर पे। इस मार्केट में उतरे हैं तो एटीएम यही रहा। अच्छा तो बाद में एटीएम जाते हैं, क्योंकि मुझे पैसा भी निकाला हुआ है, एटीएम में पैसा नहीं है तो। और यही तो दिक्कत होती जा रही है, अभी मॉल भी जाना, कुछ खरीदने का सोच रहा हूँ मैं, लेकिन एटीएम में पैसा रहेगा तो ना मैं करूँगा। ये मॉल है तो चलते हैं मॉल में, देखते हैं कुछ अपने लाइक मिल गया तो ले लेंगे। तो भाई यहाँ से देखते हैं, एक दो टी शर्ट वर्ट लेंगे राहुल के लिए, मेरे लिए। ये सब ट्रैक पैंट देख रहे भाई, लड़की का क्या, लड़का का है? बाय वन गेट वन फ्री है। हाँ 750 का ये सब सर। हाँ देखते हैं, अगर शू शू तेरे को दिखा तो यहाँ पे तो किसी लाइक नहीं रहा। जो मेरा बहन ने जो तो शूज दिया वो बहुत कड़ाके शूज दिया है, तो उसके अगर मेरे को कोई पसंद ही नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है क्या कोई इधर से? अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं है वैसे ही ऊपर जाके अच्छा मिल गया तो ले लेंगे यार, लग तो नहीं रहा है कि कुछ इधर ना खास टाइप नहीं है एकदम। कपड़ा बोले तो एकदम अगर कुछ राहुल को देना है, किसी अपने फ्रेंड को देना है, वही उसी के लिए हम आए हैं कि कुछ अच्छा सा मिल जाए तो उसका जो फ्रेंड है उसको देना है। क्या बर्थडे डे है क्या? वही सोच रहा है कि कुछ भी दे दे, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत गुस्सा गुस्सी हो गया एकदम, तो ये नदी में सोए पड़ा था एकदम। एक बार दिला दे सही नहीं है ना बच्चों के लिए, रखता अपना लाइफ को। लेकिन मैं तो थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ, मेरा जिस दिन गर्लफ्रेंड हुआ ना तो ढिंडोड़ा पिटूंगा, ढिंडोड़ा। इसका एक नहीं है, दो दो है। तो दूसरा मॉल देखते यार, इधर इतना अब मेरे पास तो वो भी नहीं है। कुछ कुछ जड़ी बूटी हो तो दे सकते हो? मेरा वो देखिए जान से। अरे तो मेरे को भी जड़ी बूटी चाहिए ना, कि एक तो बन जाए। क्या बोल रहा है? बोल रहा भाभी पटाएंगे। सेकंड मॉल पहुंच चुका है, यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, मम्मी 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 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ राहुल के फ्रेंड का लाइक मिल गया तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। मैंने परमिशन ले लिया था कि इधर मैं ब्लॉग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने बोला ब्लॉग कर सकते हो, लेकिन
कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं क्यों करूँगा कस्टमर डिस्टर्ब, मैं थोड़ा ना प्रैंक वीडियो कर रहा हूँ। तो देख ये मरवाएगा यहाँ से। एक तो मैं ही ले लूँगा, ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, गरीबी चल रही है। और तू अपनी जो फ्रेंड के लिए क्या लेके लेने वाला है? मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी राहुल के तेरी मेरी मेरी तेरी कुछ जिंदगी कुछ जिंदगी बच्चा है गाड़ी में। नहीं नहीं ये तो नहीं हो भाई। तो भाई कोई भी पसंद आए तो यहाँ से लेके निकलेगा। इतना मगजमारी लड़की के कपड़े, मतलब कि इसके फ्रेंड के कपड़े के लिए इतना नहीं झेल सकता मैं। तो मैं अपना लूंगा लेकिन अभी तो देखते, इसका मिल गया तो ठीक है। जो चीज़ वो मांगी है वो चीज़ मिल गया तो बहुत बेटर है। कहते फिर मालूम है लड़की लोग तो, मतलब कि दो फ्रेंड लोग का उसका जो गुस्सा क्या होता है, क्योंकि मेरे को मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत इसमें पुअर टाइप का लड़का हूँ मैं, फंस जाता हूँ मैं और हर बार गाली खाता हूँ। नहीं है ना? तो भाई जैसे कि यहाँ तू क्या गाएगा पाली भाई? कुछ और नहीं तो यही सही। उसका पहले से हम पानी पूरी खाएंगे। पीस है 10 रुपए का, 5 गो गुजरात में तो 7 गो है। गुजरात ही अच्छा तो बिहार कोई है ना, कोई खराब जगह नहीं है, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड जगह पर बिहार ही आ गया है। सबसे स्टैंडर्ड मुंबई लगता है कि मार खा गया ना बिहार के सामने। अपना बिहारी चौक पे भारी ना। पे हम लोग पहुंच चुके हैं, मतलब राहुल के गर्लफ्रेंड के लिए, मतलब फ्रेंड के लिए जूती के लिए। अब यहाँ पे जूती मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत घूम रहे हैं, दिमाग खराब हो चुका है यार इसके जो फोन करके मुझे बहुत दिमाग खराब हो करके रखा है। तो देखते जो वहाँ पे कुछ अच्छा या चप्पल जूता तो वो पसंद करेगी नहीं। और क्या पसंद है उसको? 50 का वो दे देगा कैडबरी, सस्ता में निपटा देंगे। देखते अभी मिल जाए यार, बहुत देर से तो घूम रहा हूँ। जो चीज चाहिए उसको फोन करके वीडियो कॉलिंग में दिखा दिया, वो बोलते ये नहीं है, पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। अब क्या पसंद है उसको पता नहीं है। गर्लफ्रेंड तेरी है, गर्लफ्रेंड तेरी है तो मैं कैसे चोज करूँ? तेरी गर्लफ्रेंड को चोज करने उसको फिर से वीडियो कॉलिंग करना। गर्लफ्रेंड मतलब फ्रेंड को कुछ भी तो पसंद आए वो, और यहाँ गाना आएगा कॉपीराइट के लिए। मैं चलो जैसे कि पूरा मॉल छान मार दिया, एक नहीं कम से 4-5 मॉल छान मार दिया। मारने के बाद मैं इसकी फ्रेंड को कोई भी चीज पसंद नहीं आया, फ्रेंड को कुछ भी पसंद नहीं आया, जो कि हमने वीडियो कॉलिंग में ही बता दिया था कि ये चीज है, अगर आपको पसंद आता है तो लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे इसमें से कोई चीज पसंद नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, तो आपको 50 का कैटेगरी में मैं निपटा दूंगा। तो बोले कुछ नहीं, आप जो प्यार से देंगे लेंगे। बोलती भी प्यार से जो देंगे लेंगे, नहीं बोलती ये पसंद नहीं आया वो पसंद नहीं। तो अब यहाँ से खालाघाट नजदीक है, तो खालाघाट पे जाएंगे आज। खालाघाट पे रुकेंगे, दूसरी खालाघाट में हम एक खाला से दूसरी खालाघाट घूम ही रहे, इसलिए आज उधर रुक रहे थे कल उधर रुक रहे। तो आज इस खालाघाट घर में रुकते हैं। और कुछ खिला रहा भाई, पैदल चलवाया भाई, वहाँ से पैदल चलवाया। बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गया यार, इतना पैदल चल चल के बहुत ज़्यादा पसीना, देख सकते हो यार बहुत बुरा हाल है ना। ये बोल रहा है कि पब्लिक रिएक्शन लेने के लिए, लड़की लोग का रिएक्शन। उसमें कहीं चप्पल ना खा जाओ मैं, हाथ भी दुख रहा है। देखते फिर खाला के घर पे मिलते अपन।
तो गाइस घर पे आया, घर पे आने जस्ट खाना वाना खाया। ये अभी मेरा खाला का दूसरा घर पे आया हूँ मैं जी। अच्छे से मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि ये लाइट उठ, देखो ये लाइट में मैं अपना एंडिंग कर रहा हूँ ये वीडियो को, यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। अब उस वाला ब्लॉग कैसा लगा बताना। और एक मिस्टेक हो गया यार, उसमें कॉपीराइट क्लेम आ चुका है जिसमें मैंने बहुत खर्च किया वो वीडियो। मैं क्या बोलूँ, कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन जो भी है अच्छा ही हुआ। अभी क्या कर सकते, जो होना है मेरी गलती थी, जो कि मैंने अनकॉपीराइट सॉन्ग बोला उसमें यूट्यूब पे लिख के आता है यार वो। पहले तो यूट्यूब का तो पहले उसको डिलीट करके उसको हटाना चाहिए वो सब आईडी को, क्योंकि उसमें अनकॉपीराइट तो लिंक दे देने के, फिर मतलब हम वो सॉन्ग अपलोड का मतलब कि डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद फिर अपना वो अपना वीडियो में लगाते हैं, फिर उसके बाद में कॉपीराइट क्लेम आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। कि दिन भर का मेहनत, फिर एडिटिंग, फिर ये महीना, फिर पैसे कितने जाते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही पड़ता है कि व्लॉग में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। हाँ, तो भी कुछ नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान देके करूँगा मैं। चलो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, अल्लाह हाफिज़।